अभी हर दिन इधर प्रार्थना के लिए आते, उसका साक्षी थोड़ा हम सुनते। हालेलुया, हालेलुया, थोड़े जोर से बोलो ना हालेलुया। आज कितना मेहनत करते हुए ब्रदर आपका टाइम लेके, ब्रदर का टाइम लेके आपके बीच में है प्रभु का वचन प्रकाशन करने के लिए। खुशी से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मुझे 20 मिनट दिया गया था, लेकिन सामने वाला जस्सी ने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। कोई बात नहीं, मैं अपना फादर मुझे बोला था एक टेस्टमनी देने के लिए। मैंने बोला क्या टेस्टमनी दो, कई प्रकार से हर शिविर को मैं टेस्टमनी देता है, प्रवचन देता है। आज फादर बोलो तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। कुछ साल पहले मेरा बेटा 10वीं में था, 10वीं का परीक्षा होने के बाद प्रिंसिपल मुझे एक वारंट भेजा, जल्दी स्कूल में आ जाओ। मैं स्कूल पहुंचा, प्रिंसिपल मेरे बेटा का परीक्षा का रिजल्ट दिखाया। प्रिंसिपल मुझे बताया आपका बेटा ये 10वीं में फेल हो जाएगा, इसलिए हमारे स्कूल का 100% मार्क पास है। ये बेटा परीक्षा लिखा हो तो हमारा स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए काम करता हूं आपको TC दे के भेज देता हूं। मुझे उनका रिजल्ट दिखाया, कुछ सब्जेक्टों में 2 मार्क है, पूरा सब्जेक्टों में एक ही सब्जेक्ट पास है वो मैथ्स था, बाकी सब फेल है। मैं प्रिंसिपल को विनती किया एक मौका दे दो, मैं आज से उनके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 56:9 में मेरे विपत्तियों का विवरण तेरे पास है, मेरे आंसुओं का लेख तेरे पास है, मेरे विपत्तियों का विवरण तेरे पास है, मेरे आंसुओं का लेख तेरे पास है। मैं रोज निर्णय किया बेलासा चर्च का ग्रोटा में रोज जाऊंगा। मैं वो प्रिंसिपल को बताया मैं रोज बेलासा ग्रोटा में जाऊंगा, मैं हमारे बच्चे के लिए नहीं, ये स्कूल का पूरा बच्चे के लिए रोज रोजरी लेते हुए प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना रोज जाना, प्रार्थना करना शुरू हो गया, रोजरी करना शुरू हो गया। बच्चा तो पास हो गया, पास होने के बाद मैं सिस्टर प्रिंसिपल सिस्टर था, सिस्टर जी मुझे बताया हमारा स्कूल में 92% मार्क लेने वाला लोग है, 97% मार्क लेने वाला लोग है। मैं किसी का प्रोग्रेस कार्ड पहले नहीं देखा, मैं इनका प्रोग्रेस कार्ड पहले देखा, ये बच्चा कैसे पास हो गया। सिस्टर मुझे बताया तुम्हारा बच्चा को फुल पास है। मुझे बताया आप इसको कैसे, इसके लिए प्रार्थना किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18:19 में मैं फिर भी कहता हूं पृथ्वी में 2 व्यक्ति एकमत होकर जो भी मांगेगा मेरे स्वर्गीय पिता निश्चय देगा। मेरे कुटुंबों में प्रार्थना में हम हमारा पत्नी एक साथ हाथ पकड़ के
ये वचन धोरत वे प्रार्थना करते थी। एक दिन मैं रोजरी करते 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 कर रहे थे, मेरे मन में यही था। मैंने एक ठेकेदार में काम करने वाला व्यक्ति कम वेतन है, मैं मेरे बच्चे को कैसा पढ़ाऊ, मुझे ताकत नहीं है। मैं रोते रोते ग्रोटे में जाकर रोजरी करता था। एक दिन मैं रो रहा था, मेरे मन में एक शब्द आया, आंखी बनता मैं रोजरी करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के रोजरी कर रहा था ग्रोटे में खड़े होके। मेरे मन में एक शब्द आया, ये आंसू वृद्धा नहीं जाएगा, ये आंसू वृद्धा नहीं जाएगा। बहुत खुशी के साथ मैं घर में गया, मेरे दोनों बच्चे को बुलाया, मैंने बच्चे को बताया, देखो बेटा मैंने प्रार्थना किया माँ के पास, मेरा माँ मुझे बात किया, मेरे मन में एक बात आया, ये आंसू वृद्धा नहीं जाएगा। मुझे दोनों बच्चा हंसी मजाक किया, पापा आज बहुत लोग बोलता है अब पागल टाइप पागल के शरीर का ग्रोटो में जाके दोनों हाथ उठा के रोजरी करता है, ये भक्ति दिखाता है, ये पागल है, ये अच्छा नहीं है। लोग बोलेगा आपको अब पागल हो गया है, आप काय के लिए ग्रोटो में जाके दोनों हाथ उठा के बोलता है। अभी आके मुझे बताता है ये आंसू वृद्धा नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे दोनों बच्चा बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आप अभी बोलते माता मुझे बात किया, ये नहीं हो सकता। मेरे पत्नी मुझे साथ दिया, हो सकता है बेटा। मेरे पत्नी मुझे बोला, मेरे बच्चे को बोला, ये हो सकता है, ये माँ बात करता है, हम प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते वक्त माँ का आवाज के लिए, ईश्वर का आवाज के लिए हमारा खान थोड़ा खोल के देखो, सचमुच ईश्वर तुमसे बात करेगा, क्योंकि तुम्हारे आंसू देखने वाला हमारा ईश्वर दया सागर है, वो करुणामय है, क्योंकि तुम्हारा आंसू देख नहीं सकता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, थोड़ा ताकत से बोलो हालेलुया। कुछ साल निकल गया, मेरा बेटा सर्विस में लगा, मेरे बेटे का पढ़ाई हो गया। अच्छी तरह से मुझे याद है 2018 होगा, 2018 में मेरे दोनों बच्चे को बोला, सितंबर 10 को हमारा ग्रोटा का माता का पर्व है, ये पर्व में आप दोनों यहां आना है। मेरे बेटा बोला, पापा आपको तो मालूम है मेरे नौकरी है, मुझे लीव नहीं। मेरे बेटी बोला, पापा अभी कैसे है आपको, मुझे बुला रहा है, मैं अभी कैसे आ सकता है। कुछ भी हो ये पर्व मेरे लिए बहुत महत्व है, ये माँ का पर्व में मैं बहुत खुशी हूँ, ये खुशी तुमको भरने के लिए, ये खुशी तुमको बताने के लिए तुम्हें बुला रहा है। दो दिन पहले दोनों बच्चा आ गया, आया मेरा माँ को पूछने लगा, ये पापा का को क्या गया, पापा मुझे काय के लिए बुलाया। उसने माँ बोला, मुझे मालूम नहीं है पापा क्यों कैसे बुलाए, मुझे पता नहीं है। माँ ऐसा बोला, लेकिन बार बार मुझे मेरे बेटी पूछा, आप माँ को काय के लिए बुलाया, आप काय के लिए बुलाया ये तो बता दो। मैंने बोला बता दूंगा, ये त्योहार का पर्व का टाइम 4 बजे हम चर्च जाएंगे, हम ग्रोटे में जाएंगे, माँ के पास तुम्हें खड़ा करेंगे, मेरे को जो बोलना माँ को बोलेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यिर्मयाह ग्रंथ 33:3 में, तू मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें ऐसा रैसे मई बातें तुम्हें बता दूंगा, तुम एक पुकार के लिए तरस तो हमारा प्रभु है।
तुमने प्यार किया वाला हमारे ईश्वर, तुम्हारे एक पुकार के लिए कान देख के बैठा हुआ हमारे ईश्वर, एक पुकार में तुम्हें उत्तर देने वाला हमारे ईश्वर, थोड़े पुकार कर देखो ओ ईश्वर, जरूर तुम्हें उत्तर देंगा। हालेलुया। मेरे बच्चा बहुत तरस रहा था कैसे भी ग्रोटे में जाओ पापा का रिंग सिप सुनने के लिए। दोनों बच्चा बहुत तरस रहा था। मेरा बेटा बोला चलो पापा पहले जाता है, आप बता दो क्या है, काय के लिए हमें बुलाया, हमें इतना नौकरी है, हमें इतना टाइम नहीं है, हमें लीव नहीं है, आप क्यों बुलाया हमें। मैं बोला ग्रोटे में जाकर बोलूंगा। ग्रोटे में दोनों गया, आजू बाजू मेरे बच्चा खड़ा है। मैं माँ का बोला देखो माँ, देखो माँ, कुछ साल पहले मैं ये बच्चे के लिए आपको विनती कर रहा था, कुछ साल पहले हमारा ये बच्चे के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा था, आपने मुझे उत्तर दिया ये आंसू वृथा नहीं जाएगा, ये आंसू का कीमती है, मेरा पास रोने वाला ही अपहाने वाला ये आंसू को बहुत कीमती है। मेरा बच्चा विश्वास नहीं किया माँ, मेरा बच्चा विश्वास नहीं किया। आज हमारा बच्चा दोनों आपके पास है, एक तो कंप्यूटर इंजीनियर है, एक तो डॉक्टर है। आप उसी दिन 10 साल 5-6 साल पहले इनके लिए हम विनती कर रहा था, इनके लिए हमारा आंसू बहा रहा था, आज हमारा साहब के सामने हमारा दोनों बच्चा है, एक तो कंप्यूटर इंजीनियर है, एक तो डॉक्टर। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करो। मेरा भाइयों बहनों, आपका आंसू कभी वृथा नहीं जाएगा। ईश्वर के सामने आंसू भिगाए तो वो आंसू की कीमती है, वो आंसू लिख कर रखा है, वो आपको कई जरूरतों में आपको आपको चमत्कार आपका जिंदगी में करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, ताकत से बोलो हालेलुया। सुबहाना। आज मैंने डिवेन वजनाश्रम में हमने एक योजना बनाई है, हर शुक्रवार को जागरण प्रार्थना है। कई लोग हमें प्रार्थना मदद मांगी है, कई लोगों को उसको सफलता प्राप्त हो गया। हमने एक अच्छा टीम में मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए हम सब मिलके रात भर बैठता है प्रभु के सामने आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके विपत्तियों का सामना करने वाला आपके कई व्यक्ति का नाम लेके हम प्रार्थना करता है। आप भी, आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें फोन में कर दीजिए, फादर जी के फोन में आप जरूर हमको प्रार्थना करेगा, लेकिन एक शर्त पर। ये शर्त यही है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप बीमारी में तड़पता हो, आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप जॉब नहीं हो, जो भी समस्या आपके सामने हो उस समस्या को लेके हम प्रार्थना करेंगे एक ही शर्त पर। वो शर्त यही है, आप आपके घर में बैठ के हमारा का साथ प्रार्थना में रहा करो। आप अपने सागर में बैठ के आप हमारा साथ प्रार्थना में लगे रहो। अभी जो भी मांग करेगा मेरे आपको वादा करता हूं 100% पास होगा। आपको जो भी प्रार्थना में हमारा साथ आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो आपका जो भी प्रार्थना सफलता प्राप्त होगा। अभी जो भी प्रॉब्लम है साफ होगा। आप कोई फाइनेंस में प्रॉब्लम है हो वो प्रॉब्लम दूर होगा, क्योंकि रात भर हमारा टीम आपके लिए आपका नाम लेके प्रभु के सामने मध्यस्थता करता है। हमें विश्वास है प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, क्योंकि हमारे ईश्वर दया सागर है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए कभी भी हमें फोन कर दीजिए, हमारे रात भर प्रार्थना में कई चमत्कार होता है, क्योंकि ये हफ्ते में प्रार्थना करते हैं, दूसरे हफ्ते में हमें फोन आ जाते हैं, भैया आपने मेरे लिए प्रार्थना किया है,
आप हमारे लिए विनती किया है, लेकिन हमारा काम हो गया, हमारा बीमारी को चंगा हो गया, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गया, हमारे विभिन्न शैतान के बंधन से हम दूर हो गया, हम नशीला चीजों के बंधन में था वो दूर हो गया, हमारे कुटुंब में शांति है, हमारे कुटुंब में समाधान है, इससे हमें कई उत्तर मिलता है। इसलिए मैं आपका बोलना चाहूंगा, आप हमें फोन कर दीजिए, एक ही शर्त पर हम शुक्रवार को नाइट में यहाँ बैठता है, प्रभु के सामने विनती करता है, उसी टाइम आप आपके घर में बैठ के आप प्रार्थना कर सके खड़े कर तैयार है तो आपको जो भी मांगे पूरा हो। हालेलुया। इसका मतलब वो ही नहीं, आप इधर मत आओ, आपको सबको स्वागत है। यह हर शुक्रवार को हम सोचता है हमारे टीम का मेंबर लोग होगा, लेकिन हम देखो तो चर्च भर देता है। अब भी आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। अभी हम विशेष रूप से 24 आवर्स आराधना रखा है, पवित्र ये प्रभु के सामने गड़ाव घुटना देख के खिड़वाने के लिए बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है। 24 आवर्स हम ईश्वर के सामने बैठता है, 24 आवर्स यहाँ उपस्थित लोगों के लिए, कोई कोई विपत्ति का सामना करना व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए, हमारा एक अच्छा टीम, एक मध्यस्थता करने के लिए एक अच्छा टीम आज सख्त है, वो प्रार्थना में लहर रखता है। चिंता मत करो, आप हमारा साथ में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो तो आपको जो भी तकलीफ दूर हो जाएगा, मैंने एक गारंटी के साथ और एक बार बोलना चाहता हूँ, ताली बजा कर प्रभु को स्तुति करो। अभी 24 घंटा हम प्रभु के सामने बैठने के लिए, हम प्रभु के सामने 24 घंटा बैठने के लिए तैयार किया है। इसलिए आप हमारा साथ रह के अगर आपको दिल में इच्छा है दो दिन एक दिन प्रभु के सामने देख के प्रभु का देख कर बैठने के लिए इच्छा है तो सब लोग का स्वागत है हमारा डिवाइन वजन आश्रम में। आप आ सकता है प्रभु के सामने बैठ के, आप विनती कर सकता है, हम एक साथ हाथ पकड़ के एक साथ हम प्रभु का पास से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थोड़ा बोलो ना हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको नहीं बोला था 24 घंटा शुरू किया, हम परसों वो 3 तारीख को 24 घंटा का प्रार्थना शुरू किया, वो किसी न किसी बैठते परम प्रसाद के सामने, इसने आया उसको बोला हम 24 घंटा की प्रार्थना शुरू की, इसने बोला अभी मैं हर दिन आएगा 5:30 बजे से 10 बजे तक मैं इधर रेडी इधर तैयार हूँ बोला, 5:30 बजे से 10 बजे तक मैं बोला, उसने पहले बोले 5:30 बजे से 8 बजे तक, मैं बोला भोजन भी हम देगा, हाँ भोजन देगा तो हम 10 बजे तक भी बैठेगा बोला, अभी बैठते हर दिन आते उस काम करते, काम के बाद में जल्दी इधर आते मध्यस्थ प्रार्थना करते, इसलिए वो ईश्वर का सेवा के लिए तैयार है, उसको मालूम है इसका मतलब क्या है। आप लोगों को भी हम स्वागत करते इधर आके, वो सब कुछ ब्रदर जी का आदेश में ये 24 घंटा का भी शुरू किया, वो ब्रदर जी ने इसका आरंभ किया 3 तारीख को। आप लोगों को कुछ ये जो लोग हमको प्रार्थना वंदना वंदना खड़े हो जाए थोड़ा, उसको थोड़ा तकलीफ है बोले बोल के फोन किया था, हम उधर लिखा नाम लिख के उस दिन से प्रार्थना करते, उसका थोड़ा ऑपरेशन चाहिए बोला था, अभी आके बोला सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन का डॉक्टर बोला था, उस दिन फोन किया, मैं बात तो नहीं किया लेकिन नाम इधर लिखी, अभी भी उधर है हमारा बोर्ड, जो लोग बोलते फोन करते हम नाम लिख के प्रार्थना करते, इसलिए वो उसका प्रार्थना का भी उत्तर मिला, वो शिविर में आते थे उसको से भी उसको बहुत चमत्कार, वो बहुत लोग का साक्षी भी होगा बाद में हमको मौका मिलेगा साक्षी देने के लिए, इसलिए हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते, लेकिन आप लोग हमारे साथ आके भाग ले सकते इधर रह के प्रार्थना करने का मौका हम देते। धन्यवाद।